अदालतों में नहीं होते, कोर्ट रूम्स में नहीं होते। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जो है वो इसका फैसला करें। एक बात मैं ऐड कर दूँ कि जो 73 के आइन के तनाजर में जो आर्टिकल 69 है उसके मुताबिक जो स्पीकर की रूलिंग है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने पहले भी बताया, एक हाई कोर्ट का फैसला भी बताया, स्पीकर मजाज है और उसकी रूलिंग को जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। पिछले कई महीनों से ये दावा कर रहे थे कि आप आवाम के अंदर जाएं, शाहिद खाकान अब्बासी के बयान हैं, मरियम सफर के हैं, शहबाज शरीफ के हैं, पूरे जियो टीवी के हैं, तो बार बार ये तकाजा था कि आप अवाम में जाएं, इलेक्शन करवाएं, आप अवाम में बड़े गैर मकबूल हो गए। अभी आपके सामने साबका वजीरे जो है कानून और साबका वजीरे इत्तला खड़े हैं, मेरा ख्याल शायद ही कोई साबका वजीर जो है वो इतनी खुशी और मुस्कुरा के बात कर रहे हो जितने हम कर रहे हैं। हम तो अवाम में जाने को तैयार हैं और अवाम ने फैसला करना है। आखिरी बात, अवाम ने फैसला करना है। लोगों से क्यों डरे हुए हैं और लोगों से क्यों डरते हैं? अपनी अवाम ने फैसला करना है कि अवाम ने अवाम ने फैसला करना है कि अवाम गद्दारों के साथ से कुछ मतिला प्लीज नहीं, ये तो स्पीकर की रूलिंग है, अटॉर्नी जनरल का मशवरा क्यों? नहीं, ये तो स्पीकर असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार जो है वो तो वज़ीर आज़म का है आर्टिकल 58 के तहत, वो उन्होंने अपना राइट एक्ट किया है। ये अब सारी सियासी जमातों का फैसला होगा, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत है, पंजाब में भी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत। तो बात मार्शल लॉ का कोई खतरा तो नहीं है? क्यों मार्शल लॉ का क्यों खतरा है? आइन के मुताबिक हर चीज़ हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट कैसे मतलब आपकी मुराद ये है कि फौज ऑन बोर्ड है? फौज का इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पार्लियामेंट के मामला है। एक तरफ आपको हर मामले में फौज को आप सीट के लाते हैं, दूसरे दिन आप कहते हैं कि जी फौज को नहीं आना चाहिए, तो आप खुद भी अपनी हरकतों पे गौर करके जी सारे ठीक है।